हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनिजीएस। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं घटना चक्र, भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन। यह वीडियो यूपीएसआई, स्टेट पीएससीएस और यूपीएससी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और यह आज हमारी पहली क्लास होगी। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अंतर्गत यहाँ पर टोटल 42 चैप्टर दिए गए हैं और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ? भारत के संवैधानिक विकास को हम दो भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम होंगे, जिसमें 1773 से लेके 1853 तक के अधिनियम होंगे और उसके बाद में ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम 1858 से लेकर 1947 के बीच में। 1858 के बाद में जो भारत का शासन था वह ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गया था। तो यहाँ पर पहले हम देख रहे हैं कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला है रेगुलेटिंग, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यपालिका का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए किया गया। और इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त किए गए। सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा कुछ विशेष मामलों में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। इस कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब हम देख रहे हैं, अब तक हमने देखा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, अब हम देख रहे हैं इसे रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि यह भारत कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, भारत में शासन चलाने के लिए यह कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटेन की संसद से यह कानून 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, इसलिए वह कंपनी को रेगुलेट करता था, इसलिए इसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं, अब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथककरण किया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु जैसे राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। 1784 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1,00,000 रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। यहाँ पर 1893 के चार्टर एक्ट के बाद में 20-20 साल पर चार चार्टर एक्ट लाए गए। 93 के बाद में 1813 में आएगा, उसके बाद में 33 में आएगा और उसके बाद में यहाँ पर आएगा 1853 में। और इसके बाद क्या लिखा है, कंपनी के व्यापार, भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार ही बना रहा कंपनी का। और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाता था। इसे ही आज हमने अपने भारत के, आपने देखा होगा मूल अधिकारों में जो धर्म, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध है, वह हमने यहीं से ग्रहण किया है। अयोग्य नहीं समझा जाता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम वेटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे।
कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य करने का ही राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया था। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। यहाँ से 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो विधायी शक्तियाँ थी उन्हें कार्यपालिका से अलग कर दिया गया। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, लेकिन यह प्रतियोगिता भारत में ना होकर ब्रिटेन में होती थी। अब हम प्रश्न आंसर कर लेते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो अभी हमने पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, और इसके सबसे पहले जो मुख्य न्यायाधीश बने थे वो कौन थे, ये भी पूछा जाता है। एलिजा एम्पे, कलकत्ता में 1774 में यह न्यायालय बना था। ये भी ध्यान रखना है कि 1773 के एक्ट के अंतर्गत बना, लेकिन 1774 में बना, और इसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश बने थे वो थे एलिजा इम्पे। और यहाँ पर हमें कुछ सुमेलित करने के लिए दिया गया है। सूची एक से आपको सूची दो का मिलान, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, इंग्लिश मिशनरियों के को भारत में कार्य करने की अनुमति कब प्रदान की गई, और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब की गई। तो अगर हम देखें इसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के अधिनियम के अंतर्गत की गई, और नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट भारतीय अधिनियम 1784 के अंतर्गत की गई, और इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा दिया गया, और गवर्नर जनरल की परिषद में जो कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई वह चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत किया गया। यहाँ पर ये लिखा भी गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यहाँ पर आप नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो किसमें भारत के ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भी पड़ी। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1833 के द्वारा भी, और प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद इसके द्वारा भी भारत में। यहाँ पर तीनों सही हो जाएगा, तीनों के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। इसके बारे में कुछ बातें जान लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसके जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। जिसकी जिम्मेदारी थी 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए देने की। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके दो अध्यक्ष थे वह लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम केविडिस वेटिंग 1828 से 1835 के बीच में के शासन काल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार कर भारत में अंग्रेजी शिक्षा को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता थे कौन, ट्रेविलियन थे, जबकि एच डी प्रिंसिस प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व में थे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। तो यहाँ पर जो हमारा अगला प्रश्न है वह, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया
कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। चाय और चीन के व्यापार 1813 में और 1833 में इसका चाय और चीन का जो एकाधिकार था वह भी समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। इसमें दिया क्या गया है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 1813 में क्या क्या प्रावधान किया गया है हम वो देख रहे हैं। इसमें कौन सा सही है हमें ये बताना है। तो इसमें पहला है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। तो ये तो सही हो जाएगा 1813 के अंतर्गत। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया, यह भी किया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो भारत का जो राजस्व था ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में कब आया, 1858 में आया, 1857 की क्रांति के बाद में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए और बी, और यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है वह गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ दिया गया है, चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चाय और चीन को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता सुदृढ़ भी हो गई। और इस एक्ट से हालांकि कंपनी के आगे के 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रश्न का आंसर ए और दो सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक सचिव का पद का सृजन किया गया, तथा विशेष कर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। यही काउंसिल ऑफ इंडिया आज देख रहे होंगे आप, भारत में जो मंत्रिपरिषद होती है वह इसी के द्वारा आगे चल के भारत के संविधान में बनाया गया। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो किस अधिनियम के द्वारा, 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत में जो यहाँ पर भारतवासियों का प्रशासन में हिस्सा संभव बनाया गया। इस अधिनियम की बातें भी जान लीजिए कुछ। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी। इसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन को उसकी देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनैतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य धारा बनी। अब ब्रिटिश ताज के अंतर्गत कौन कौन से अधिनियम पारित हुए, यह ब्रिटिश ताज कब से आया, 1858 के बाद के अधिनियम अब हम देखते हैं। इसमें कुछ बातें लिखी गई हैं, पहले अधिनियम पढ़ लें फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला है, भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया पूरी तरह से। गवर्नर जनरल को अब भारत का, जो बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे उन्हें अब भारत का गवर्नर, भारत का वायसराय कहा जाने लगा। भारत का वायसराय जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया था, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 का प्रावधान देखते हैं, इसके तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बंबई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। 1858 की अगर हम बात करें तो जब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आया था तो सभी जो कानून बनाने की शक्ति थी वह केंद्र के पास केंद्रित हो गई थी, लेकिन 1861 में इसे विकेंद्रीकरण कर दिया गया। अधिनियम बनाने की शक्तियां विधायी शक्तियों का, और इसे किसको किसको दिया गया, मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियों को। इसने वायसराय को आपातकाल में परिषद की संस्तुति के बिना अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत
किया। यहाँ से अध्यादेश जो आज हमारे राष्ट्रपति जारी करते हैं, जारी यहीं से लिया गया है, इसकी शुरुआत हुई अध्यादेश की 1861 में। और अब हम देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया था। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। निर्वाचन पद्धति आरंभ तो की गई, लेकिन यहाँ पे अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता था। अब हम देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस अधिनियम ने केंद्रीय प्रांतीय विधायी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट की विवेचना तथा उस पर प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। मार्ले मिंटो सुधार यानी कि 1909 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या होता है? अगर किसी भी जगह पर कोई मुस्लिम व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, तो वहां पर वो वोटिंग करने वाले लोग होंगे। मतदान का अधिकार भी सिर्फ मुस्लिमों को होगा, इसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कहा जाएगा। अब हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 को। इसे मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार कहा जाता है। जो मॉन्टेग्यू होते थे वह सचिव होते थे, आपने देखा होगा 1858 में जो सचिव का पद सृजित किया गया था वही मॉन्टेग्यू होते थे, और जेम्स फोर्ड उस समय के भारत के वायसराय होते थे। इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, जो सांप्रदायिक मुस्लिमों के लिए था 1909 में, अब इसे बढ़ाकर सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय तथा यूरोपीय पर भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधान मंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को दो भागों, आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। अब हम देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1935 के बारे में। सर्वप्रथम इसके द्वारा 1935 के द्वारा भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके इसे केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। द्वैत शासन क्या है यह मैं अलग से किसी वीडियो में बता दूंगी, नहीं तो मैंने एक वीडियो बनाया है भारत यूपीएसआई के लिए, भारत का विकास, भारत का संवैधानिक विकास के नाम से, तो आप वहां पर द्वैत शासन देख सकते हैं। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 के अंतर्गत की गई। और क्या क्या काम किए गए? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और मजदूरों को इसमें सम्मिलित किया गया। इसी अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, और इस अधिनियम द्वारा वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग करके दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक यानी कि विधान परिषद का भी गठन किया गया। और प्रेजेंट टाइम में किन किन राज्यों में विधान परिषद है, तो अगर मैं आपको बता दूं तो एक तो यूपी में हो जाता है, उसके बाद बिहार आता है, फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों पास पास से आप ऐड कर सकते हैं। यूपी बिहार पास पास है, महाराष्ट्र कर्नाटक पास पास में है। इसके बाद में आ जाता है तेलंगाना, और तेलंगाना के बगल में आंध्र आ जाता है। तो यहाँ पर 6 प्रेजेंट टाइम में भारत में 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। अब देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को सम स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद सृजित किया। इसके अंतर्गत शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। अब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत
भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई। तो किसके अंतर्गत बहस करने की शक्ति प्रदान की गई? तो बहस करने की शक्ति 1892 में और वोट करने की शक्ति 1909 में प्रदान किया गया। तो इसके बारे में कुछ जान लीजिए। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की गई। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो शुरुआत थी वह 1909 के अधिनियम के द्वारा की गई, भारत शासन अधिनियम, जिसे मिंटो मार्ले सुधार भी कहते हैं। मिंटो सचिव थे और मार्ले उस समय के भारत के वायसराय थे। और इस अधिनियम के द्वारा, मार्ले मिंटो के द्वारा, ब्रिटिश भारत में प्रतिनिधित्व की स्थापना की गई और तथा मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई। अभी हमने पढ़ा, इसमें नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 1935 के अधिनियम के द्वारा किया कब गया? 1937 में बनाया गया, 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो यहाँ पर लिखा भी है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। सर मॉरिस ग्वेयर उपयुक्त दिए गए में 35 नहीं होने के कारण आंसर हमारा डी हो जाए। अगला प्रश्न क्या है? संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो अभी बताया, 1935 में किया गया। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो द्वैत शासन जो केंद्र में था 1935 में किया गया, राज्य से समाप्त करके उसे केंद्र में 1935 में द्वैत शासन लागू किया गया, जिसे डायरकी भी कहते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैत शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया। प्रांतों में द्वैत शासन का उपबंध 1919 के अंतर्गत 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैत शासन के तहत संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। द्वैत शासन में क्या किया गया? जो संघीय विषय थे उन्हें दो भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। नेक्स्ट क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? 1935 में। अगला है, 1919 भारत शासन अधिनियम। निम्नलिखित में से भारत शासन अधिनियम 1919 की कौन सी विशेषताएं हैं ये पूछा है, तो इसमें क्या होगा? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई, यह तो सही है। अभी हमने पढ़ा, 1919 में प्रांतों में लागू किया गया और 1935 में प्रांतों में समाप्त कर दिया गया। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था की गई, ये भी सही। नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं किया गया था, मुसलमानों के लिए जो था वो 1909 में किया गया था। यहाँ पर जो सिख ईसाई के लिए बढ़ा कर दिया गया था, तो बी गलत हो जाएगा। बी हमारा गलत है, दो में तो दो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाते हैं। तीसरा क्या है? केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया, तो ये भी सही है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो 1 और 3 सही हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में कुछ बताया गया है, वो भी देख लेते हैं। 1919 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध ड्यूल शासन की स्थापना की गई। ऐसे प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासन को दो श्रेणियों में बांटा गया, आरक्षित तथा हस्तांतरित। साथ ही केंद्र और प्रांतों में शक्तियों के विभाजन के लिए अनुसूची में विषयों का विभाजन किया गया। जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो यह 1919 के अधिनियम में ही कर दिया गया था और इसे 1919 में बढ़ाकर सिख, यूरोप, भारतीय, ईसाइयों, इंग्लो इंडियन के लिए विस्तारित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? तो बनाई गई 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान पालिका द्विसदनीय बनाई गई। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन, राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे,
जो 5 वर्ष के लिए होता था तथा उसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता था, जो 3 वर्ष के लिए होता था। भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत उसके 140 सदस्यों में 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। केंद्र में कौन सा एक्ट, ये जो मनोनीत होने की प्रावधान है ये अभी भी हमारे राष्ट्रपति करते हैं 12 सदस्यों को, तो ये सारी चीजें हमने यहीं से ग्रहण किया है। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था, कौन से एक्ट के द्वारा लाया गया, 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मैंने ऊपर आपको बताया था, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 में भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, इस समय जब ये अधिनियम पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था ये बातें, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है। तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पे शुरुआत हुई थी, लेकिन यहाँ से जो हमारे संविधान में लिया गया है 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, केंद्रीय विधानसभा का निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया जो निर्वाचन है 1919 के तहत जो निर्वाचन की शुरुआत है वह 1926 में हुई थी और 1945 में हुई थी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, ए और बी सही है। यहाँ पर दिया गया है 1926 और 45 के तहत केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता सिद्धांत प्रवृत्त किया गया, तो किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता प्रावधान, तो यह किया गया 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था, साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन किया गया, जो समवर्ती सूची राज्य सूची बनाई गई है वह 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ही बनाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन कहाँ उल्लिखित है, तो यह 1935 के ब्रिटिश शासन काल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था। इस अधिनियम की 9वीं अनुसूची में संघीय राज्य और समवर्ती सूची के विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त राज्य में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना करने का भी प्रावधान था और इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों तो एवं देशी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां जो थी वह गवर्नर जनरल को प्रदान की गई, जो अभी केंद्र के पास है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, यहाँ पर नहीं पूछा है तो ए तो सही हो जाता है। अवशिष्ट शक्तियां प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित की गई, तो यह केंद्र के पास थी, यानी कि गवर्नर जनरल, यहाँ पर आप देख रहे हैं गवर्नर जनरल को दिया गया था, यहाँ पर लिखा गया है ये कि यह शक्ति गवर्नर जनरल को प्रदान की गई, तो बी गलत हो जाएगा। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, ये भी सही है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में लागू किया, तो ये भी सही हो जाता है। नेक्स्ट है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया किसके द्वारा? 1935 के द्वारा अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, 1935 में किया गया। निम्न में से किस एक अधिनियम में संघीय शासन की व्यवस्था की गई, तो यह भी 1935 में की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, 1935 अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में औसेक शक्तियां
गवर्नर जनरल को अभी बताया मैंने कितनी बार एग्जाम में पूछा है, जरूर ऐसे क्वेश्चन आप करते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो इसमें क्या नहीं है, देश के लिए लिखित संविधान। 1935 में हमारे देश का लिखित संविधान नहीं बना था, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाए, गलत हो जाएगा मतलब, या मतलब इसका आंसर जो होगा इसमें नहीं पूछा है तो ए सही होगा, ए नहीं है। और यहाँ पर विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि बनाए गए, एक संघ की योजना पर विचार किया गया और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावाचित किया जाना इस अधिनियम की विशेषताएं थी। यहाँ पर लिखा गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं किया था। भारत के लिए लिखित संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन में किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना है कि भारत के लिखित संविधान का उल्लेख सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन में किया गया था। अन्य तीनों विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित होते हैं। 1935 के बारे में नेक्स्ट प्रश्न है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। जब तक हमारा संविधान नहीं बना था तो 1935 के अंतर्गत ही भारत का शासन चलाया जा रहा था। 1947 में भारत आजाद हुआ, 1950 तक संविधान बनता रहा, तो ये 2 से 3 सालों के बीच का जो समय है, इस बीच भारत का जो शासन था वह 1935 के अधिनियम के द्वारा ही चलाया जाता रहा। इसमें कुछ बातें दी गई हैं, इकट्ठा देख लेते हैं हम सारी बातें। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। 1935 के कुछ प्रावधान हैं, संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति तथा द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किया गया और एक फेडरल न्यायालय की स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। यहाँ पर दिया गया है, 1935 के प्रावधानों के अनुरूप 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो संविधान सभा एवं संविधान की निर्माण प्रक्रिया से क्या क्या संबंधित प्रश्न है यह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसे देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए। इस वीडियो में बस इतना ही।